Hello students, welcome to NumberX. In this video, we will solve question number 17 of exercise 1G. इस चैनल पर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, रीता हैड 300 रुपीस, शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। रीता के पास 300 रुपीज थे, इसमें से 1/3 उसने नोटबुक पर खर्च कर दिया, यानी 1/3 ऑफ 300 रुपीज स्पेंड ऑन नोटबुक। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3, कैंसिल करेंगे तो आएगा 100, यानी 100 रुपीज इसने नोटबुक के लिए खर्च कर दिया। इसके बाद है 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। जो रिमाइंडर है यानी 300 में से 100 रुपीज आपने खर्च कर दिए तो बचा कितना, 300 - 100 विच इक्वल्स 200, यही अमाउंट बचा हुआ है। इसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ 200 ये स्पेंड हुआ है किस पर, स्टेशनरी पर। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 × 5 = 20 होता है, यानी 50 रुपीज स्पेंड हो गया स्टेशनरी। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। इसके पास जो मनी बचेगा वो क्या है, 300 - 100 हो गया नोटबुक पर खर्च और 50 रुपीज स्टेशनरी पर, यानी 300 - 150 विच इक्वल्स 150 रुपीज, तो यही इसके पास बचा हुआ है। तो करेक्ट आंसर है 150 रुपीज इज लेफ्ट विद द फैट को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।